मंच पर और मंच के नीचे इतने वरिष्ठ पत्रकार और विद्वज्जन उपस्थित हैं कि उनके समक्ष कुछ बोल पाने में बड़ा संकोच अनुभव कर रहा। नानक जी के बारे में बोल पाना वैसे भी कठिन है, क्योंकि जो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हो और तीनों लोकों में निर्वाद विचरण करता हो उसके बारे में 5-10 मिनट में बोल पाना कठिन ही नहीं, असंभव। नारद शब्द का ही अर्थ है अज्ञान का नाश और ज्ञान का प्रकाश। पत्रकार का दायित्व भी यह है कि वो समाज में फैले हुए अज्ञान को मिटाए और अपनी सूचनाओं से, अपने भाषा शिल्प से, अपने तथ्यों से समाज में ज्ञान का प्रकाश बिखेरे। यही पत्रकारिता का मूल मंत्र है, पत्रकारिता का सार। आज पत्रकारिता के चूंकि कई विद्यार्थी भी यहां मौजूद हैं और अरविंद जी ने भले ही मजाक में लेकिन ये कहा कि मैं टीवी पत्रकारिता का बड़ा पुराना आदमी हूं, आज ब्रेकिंग न्यूज का बड़ा हल्ला है। सारे टीवी चैनल, चाहे वो देश के हों, प्रदेश के हों, लोकल हों, ब्रेकिंग न्यूज को लेकर बहुत प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं और हर जगह इस बात का हल्ला मचता रहता है कि हमारी ब्रेकिंग, सबसे पहले हमने ब्रेकिंग की, सबसे तेज हमने ब्रेकिंग की। और यह वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बहुत आसानी से इस बात को जानते होंगे किस तरह की ब्रेकिंग होती है। प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे, ये भी ब्रेकिंग है और सारी चैनलों पर एक साथ दिखाई देती है और लोग कहते हैं कि हमारी ब्रेकिंग है। लेकिन दुनिया की 3 सबसे बड़ी ब्रेकिंग, विश्व की 3 सबसे बड़ी ब्रेकिंग जो की वो नारद जी ने, और ब्रेकिंग शब्द का आविष्कार अगर कहीं से हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज का, खबर को फोड़ना कह ले, खबर को तोड़ना कह ले, खबर को उद्घाटित करना कह ले, खबर को प्रस्फुटित करना कह ले, वो सबसे पहले नागर जी ने किया। पहले ब्रेकिंग उन्होंने की जब देवता और दानवों का युद्ध चल रहा था और समुद्र मंथन में जब विष निकला तो वो नारद जी ही थे जिन्होंने सबसे पहले देवताओं को बताया कि ये विष है। वो पहली ब्रेकिंग थी विश्व की, दुनिया, ब्रह्मांड। दूसरी ब्रेकिंग तब की जब उनके भाई, नारद जी के भाई दक्ष की यज्ञ में सती खून का जब उन्होंने प्राण दे दिए सती ने, तब भगवान शंकर को, शिव को ये सूचना देने वाले, ये ब्रेकिंग देने वाले नारद जी थे। ये दूसरी सबसे बड़ी ब्रेकिंग। और तीसरी ब्रेकिंग तब हुई जब महाभारत का अंत हो गया और कृष्ण भगवान ने योजनाबद्ध तरीके से बलराम जी को तीर्थाटन पर भेज दिया था, तीर्थ दर्शन पर भेज दिया था, क्योंकि बलराम जी का झुकाव दुर्योधन की तरफ था और वासुदेव कृष्ण ये जानते थे कि बलराम जी के रहने से थोड़ा पलड़ा युद्ध का कभी भी उधर झुक सकता है, इसलिए उन्होंने दाऊ को तीर्थाटन पर भेज दिया था। तो बलराम जी को तीसरी ब्रेकिंग नारद जी ने की और यह बताया उन्होंने कि अब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, आप चाहे तो लौट आए। ये 3 बड़ी ब्रेकिंग है जो सबसे पहले नारद जी ने की। आज की तरह नहीं, नारद जी किसी भी ग्रंथ में अगर आप पढ़े देखे, मेरे पिताजी ने तो 1300 ग्रंथ देखे थे, पढ़े थे, मैं तो इतने सारे ग्रंथ नहीं देख पाया, मैं जानता हूं इतना सब नहीं है, लेकिन हर ग्रंथ में एक वाक्य आता है, नारदम मुनि प्रप्रक्षा। पंडित जी सही बोला, नारदम मुनि प्रप्रक्षा,
संस्कृत अपन जरा कमजोर है। यानी सारे मुनि, चाहे वो याज्ञवल्क्य जी हो, वशिष्ठ जी हो, विश्वामित्र जी हो, भारद्वाज जी हो, जितने भी ऋषि मुनि हैं, वो सारे ग्रंथों में कहते हैं कि मुनि ने नारद जी से पूछा, मुनि ने नारद जी से पूछा। और ये सारे मुनि जिनका इंटरकनेक्ट डायरेक्ट ब्रह्मा जी से है, नारायण से है, ये किससे सवाल करते हैं, किससे प्रश्न पूछते हैं? नारद जी से। पूरा समाज, पूरी दुनिया एक पत्रकार से प्रश्न करती है, और ये पत्रकार का दायित्व है कि वो समाज की, दुनिया के प्रश्नों का जवाब दे, उनकी शंकाओं का समाधान करे, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करे, नारद जी ने बताया। और इसलिए मुनि जैसे लोग भी नारद जी से प्रश्न पूछते। जो वेद आए हैं वो कोई लिखे तो नहीं गए, वेद तो बोले गए, ब्रह्मा जी की वाणी से निकले, और उन मंत्रों को लिपिबद्ध किया हमारे मुनियों ने। हर मुनि का एक मंत्र है, लेकिन उस मुनि ने भी अपने ज्ञान की पिपासा को, अपनी जिज्ञासा को नारद जी के माध्यम से पूरा किया। इसलिए हालांकि कुछ वामपंथी विचारक इस बात को लेकर आपत्ति करते हैं कि भाई ये तो संघ का कार्यक्रम है, संघ ने कह दिया कि नारद जी दुनिया के पहले पत्रकार हैं, संघ वाले अपना अपना ढपली, अपना अपना राग बजाते रहते हैं, ये आरोप लगता है? वामपंथी पत्रकार कहते हैं कि कहां ऐसा लिखा हुआ कि नारद जी पत्रकार थे। लेकिन 30 मई को 1826 से 1827 में कोलकाता से भारत का जो पहला अखबार निकला, उद्दंड मार्तंड, उसके संपादक ने, जो संस्कृत के विद्वान थे, नारद जयंती पर ही अखबार निकाला और अपने प्रथम संपादकीय में लिखा कि नारद जी चूंकि पहले सूचना संवाहक थे, सूचना प्रसारक थे, यहां की सूचना वहां पहुंचाते थे, तीनों लोगों में वो सूचनाओं का संप्रेषण करते थे, इसलिए नारद जी पहले पत्रकार हैं, इसलिए नारद जयंती पर भारत के प्रथम समाचार पत्र का लोकार्पण किया जा रहा है। ये इस बात का सबूत, तब तो संघ नहीं था, 1826-27 में तो आरएसएस नहीं था, लेकिन तब ये बात कही गई थी कि नारद जी दुनिया के पहले पत्रकार। तो जो वामपंथी विचारक जिन्होंने इतिहास को दूषित किया, इतिहास को कलुषित किया, इतिहास को कलंकित करने का काम जिन वामपंथी विचारकों ने किया है, वे याद रख लें कि संघ ने नारद जी को कोई पत्रकार नहीं बनाया, बल्कि नारद जी अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपनी सूचनाओं से दुनिया के पहले पत्रकार कहलाए। जो नारद जी ने आज इस इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं, और अभी तो बहुत इंटरव्यू का शो चल रहा है, लगभग हर चैनल ने इंटरव्यू दिखाया और एक्सक्लूसिव करके दिखाया, माननीय तो सभी को इंटरव्यू दिए, लेकिन हर चैनल ने बताया कि हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। और इंटरव्यू को लेकर दूसरा पक्ष भी है, लोग कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू जो है वो स्क्रिप्टेड है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू ऐसा है, दोनों बातें हैं, पत्रकारिता तो होनी भी चाहिए। लेकिन इंटरव्यू की शुरुआत इस सृष्टि में जो की है वो भगवान नारद ने की, देव श्री नारद ने की। पहला इंटरव्यू उन्होंने महादेव का किया, जो हमको शिव पुराण में देखने को मिलता है, वो नारद जी और शिव जी का संवाद, नारद जी सवाल कर रहे हैं और शिव जी उनका उत्तर दे रहे हैं। फिर दूसरा इंटरव्यू जो है वो ब्रह्मा जी का, आज जिसको हम प्रश्नोत्तरी कहते हैं, इसकी परंपरा नारद जी ने डाली। इंटरव्यू सवाल है और शंकर जी के जवाब है, ब्रह्मा जी के जवाब, ये परंपरा आज तक चली आ रही है। हम सवाल करते हैं, जो लोग जवाब देते हैं, और आज जैसे इंटरव्यू नहीं हो रहे कि आपने जो उत्तर दे दिया उसको सामने वाले पत्रकार ने मान लिया। नारद जी क्रॉस क्वेश्चन भी कर रहे हैं, काउंटर क्वेश्चन भी कर रहे हैं, और जिज्ञासा भी व्यक्त करें कि भगवान ऐसा नहीं तो ऐसा कैसे होगा, उसमें बहुत विस्तार से प्रकाश आदरणीय मेहता जी डालेंगे, उनकी विद्वता को मैं प्रणाम करता हूं,
उनके सामने धूरी भर कड़ भी नहीं हूं। लेकिन नारद जी ने जो ग्रंथों की रचनाएं की, आदरणीय रवि शुक्ला जी बैठे जिन्होंने कई ग्रंथ लिखे, कई किताबें लिखी, नारद जी पत्रकार का काम ही है कि वो किताबें लिखे, ग्रंथ लिखे, लेख लिखे, ये पत्रकार का काम है। और नारद जी ने नारद पुराण लिखा, नारद जोशी लिखा, नारद ज्योतिष लिखा, नारद सूक्त लिखा, नारद भक्ति है। जो जो ग्रंथ एक पत्रकार के रूप में उन्होंने सूचनाएं एकत्रित करके उन्होंने जो लिखी, वो सब हमारे सामने है। आज जो भगवान के अवतार हुए, जो भगवान ने जन्म लिया धरती पर, चाहे वो कृष्ण ने जन्म लिया, चाहे वो राम ने जन्म लिया, वो इसलिए लिया कि पृथ्वी लोक पर जो अत्याचार हो रहे थे, जो अनाचार हो रहे थे, इसकी सूचना नारद जी ने पृथ्वी लोक से जाकर देवलोक में दी। और उन्होंने भगवान से कहा कि पृथ्वी लोक में हालत ये बद से बदतर हो गई है, व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि अब तो भगवान आपको आना पड़ेगा। जब जब धर्म की हानि होती है प्रभु को जन्म लेना पड़ता है, महाभारत में कहा गया है। लेकिन धर्म की हानि हुई है बताने वाले कौन थे? प्रभु को आने पड़ेगा ये बताने वाले कौन थे? ये बताने का काम नारद जी ने किया। और इसलिए भगवान का इस धरती पर अवतरण हुआ। नारद जी की तरह पत्रकार बनते हुए सूचनाओं का तो विस्फोट है। आज हमारे मोबाइल पर लाखों सूचनाएं आ रही हैं और हम भी उसको बेसाख्ता बेख्याली में उन सूचनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं बगैर जांचे पहचाने। और इन सूचनाओं के अभाव में लोग आत्महत्याएं भी कर रहे हैं, सूचनाओं को पढ़ के द्रवित होकर आत्महत्याएं भी कर रहे हैं। सूचनाओं के विस्फोट में तथ्य कहीं बहुत पीछे छूट गए। नारद जी सूचना का सम्मान करते थे, सूचना का संप्रसार करते थे, प्रवाह करते थे, लेकिन सूचनाओं को तथ्यों को जांचते थे। आजकल के पत्रकारों को नारद जी से प्रेरणा लेते हुए सूचना का प्रसार करने से पहले तथ्यों को जांचना होगा। हमसे गलती हो रही है कि हम तथ्यों को जांचते नहीं और वैसा का वैसा ही फॉरवर्ड कर देते हैं। आज नारद जी से सीखने की जरूरत है कि तथ्यों की जांच पहले की। और पत्रकार का एक काम और भी है जो उसे नारद जी से सीखना चाहिए, समाज को मार्गदर्शन देने, समाज को नीतियां बताने, समाज को दिशा निर्देश देने का। जब अर्जुन के पास दिव्यास्त्र हो गए, अज्ञातवास में अर्जुन ने दिव्यास्त्रों की प्राप्ति कर ली, और वो दिव्यास्त्र क्या थे उस जमाने में? उस जमाने में जो दिव्यास्त्र थे वो आज के परमाणु बम जैसे ही थे। और वो दिव्यास्त्र का जब वो परीक्षण करने के लिए अर्जुन जाने लगे तो नारद जी ही थे जिन्होंने अर्जुन को रोककर कहा कि ये दिव्यास्त्र प्रयोग और परीक्षण का विषय नहीं है, इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग और परीक्षण समाज के हित में करना चाहिए और एक ही बार करना चाहिए, अभी समय नहीं आया कि आप इन दिव्यास्त्रों का परीक्षण करें, क्योंकि अगर आपने इन दिव्यास्त्रों का परीक्षण किया तो इसके बहुत प्रतिकूल प्रभाव सामने आने वाले हैं। हम नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति की धमकियां रोज सुनते रहते हैं परमाणु बम को लेकर, और देश का एक टीवी चैनल तो रोज ये बताता है कि कल परमाणु बम गिरने वाला है। पिछले 2 साल से वो लगातार ये बता रहा है कि कभी भी परमाणु बम का हमला हो सकता है। लेकिन नारद जी ऐसे पत्रकार थे कि उन्होंने परमाणु बम का, अगर हम दिव्यास्त्रों को परमाणु बम मान ले तो उस समय के जो दिव्यास्त्र थे, जो परमाणु बम अर्जुन के पास थे, उनका प्रयोग को रोकने का काम देवश्री महर्षि नारद ने किया और समाज की, राष्ट्र की, पूरी मानवता की उन्होंने रक्षा की। ये बहुत बड़ा काम। लेकिन जिस तरह से फिल्मों में जीवन, जिनके बेटे किरण कुमार इंदौर में पढ़े दिल्ली कॉलेज में, जीवन ने लगभग 27 या 30 बार नारद जी की भूमिका का निर्वहन किया फिल्मों में, और हमारे फिल्मकारों ने नारद जी को एक विदूषक के रूप में प्रस्तुत किया। यानी यह भी कितना बड़ा मजाक है कि जो आदमी इतना विद्वान था, जो भगवान ब्रह्मा का मानस पुत्र था, उनके मस्तिष्क से जो उत्पन्न हुआ, उसको आप एक विदूषक बता रहे, चुलबुला बता रहे, चुगलखोर बता रहे। सूचनाओं का संप्रसार करना, यहां की बात वहां बताना पत्रकार का काम है, चुगलखोरी नहीं है।
लेकिन फिल्मकारों ने नारद जी के साथ ये बड़ा अन्याय किया कि देवश्री को उन्होंने चुगलखोर के रूप में बताया, चटपटी मसाले लगाने वाला यहाँ की वहां लगाने वाला बताया। ये ठीक है कि पत्रकारिता में कई बार हमें चटपटी खबरें बनाना पड़ती है, भाषा का सौंदर्य उत्पन्न करना पड़ता है, खबरें पढ़ी जाए इसके लिए मिर्च मसाले की जरूरत होती है, और अंग्रेजी पत्रकारिता तो कहती है कि पत्रकारिता बिटवीन द लाइंस होती है, लेकिन नारद जी ने कभी बिटवीन द लाइंस की पत्रकारिता नहीं की, उन्होंने सीधी सीधी पत्रकारिता की। जो तथ्य थे वो उन्होंने भगवान तक पहुंचाए, और हर वो व्यक्ति, वो ध्रुव हो, यायाति हो, प्रह्लाद हो, जिसको भगवान के पास जाना है, नारायण के पास जाना है, उसे नारद की जरूरत पड़ी है। और इसलिए आज भी ये सत्य है कि अगर आपको सत्य तक पहुंचना है, तो समाज को अगर सत्य तक जाना है, सत्य का अन्वेषण करना है, सत्य की तह तक जाना है, तो उसे पत्रकार की जरूरत पड़ेगी, उसे समाचार पत्र की जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।